पहली सेट ऑफ एक्सरसाइज गिविंग दैट प्रपोजिशन पी इज़ फॉल्स प्रपोजिशन क्यू इज ट्रू एंड प्रपोजिशन आर इज फॉल्स डिटरमाइन वेदर ईच प्रपोजिशन इज ट्रू और फॉल्स दो प्रपोजिशंस दे रखी हैं प्रपोजिशनल वेरिएबल्स पी क्यू आर की ट्रुथ वैल्यूज दे रखी हैं हमें इन दो प्रपोजिशंस की ट्रुथ वैल्यूज निकालनी है तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं P इज फॉल्स तो निगेशन P ट्रू होगा Q इज़ ट्रू निगेशन Q फॉल्स होगा और ये बीच में डिसजंक्शन है ट्रू फॉल्स का डिसजंक्शन हमेशा क्या होता है ट्रू होता है तो ये जो प्रपोजिशंस है इसकी ट्रुथ वैल्यू है ये ट्रू है सेकेंड एग्ज़ाम्पल निगेशन पी पी फॉल्स है तो निगेशन पी क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा क्यू इज़ ट्रू क्यू ट्रू है आर इज़ फॉल्स आर फॉल्स है तो ये जो यहाँ से कंजंक्शन आएगा ये क्या होगा फॉल्स होगा ट्रू फॉल्स का कंजंक्शन फॉल्स उसके बाद हम जब निगेशन लेंगे तो निगेशन ऑफ फॉल्स क्या होगा ट्रू एंड फाइनली ट्रू डिसजन ट्रू क्या होगा ट्रू होगा तो जो ये सेकेंड प्रपोजिशन है इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी ट्रू होगी सेकेंड सेट ऑफ एक्सरसाइज डिटरमाइन वेदर इज प्रपोजिशन इज ट्रू और फॉल्स यहाँ ये प्रपोजिशंस दे रखी हैं और ये स्टेटमेंट्स की फॉर्म में दे रखी हैं हमें इनकी ट्रुथ वैल्यूज़ पता करना है ओके सो सपोज हम पी जो वेरिएबल है उसको पी फाइव लेस देन नाइन को असाइन करते हैं और क्यू वेरिएबल देते हैं स्टेटमेंट नाइन इज लेस देन सेवन को फाइव लेस देन नाइन ट्रू होता है फॉल्स है इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या true है ट्रू है नाइन लेस देन सेवन फॉल्स अब इधर आते हैं फाइव लेस देन नाइन फाइव लेस देन नाइन को हमने पी लिया है एंड एंड का मतलब कंजंक्शन नाइन लेस देन सेवन क्या स्टेटमेंट लिया है इसको क्यू पी पी की ट्रुथ वैल्यू है ट्रू क्यू की ट्रुथ वैल्यू है फॉल्स एंड फॉल ट्रू कंजे बीच में कंजंक्शन है फॉल्स तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा तो जो पहला वाला स्टेटमेंट है इसकी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है सेकेंड स्टेटमेंट इट इज़ नॉट द केस दैट सो ये बाहर निगेशन लग गया ब्रैकेट में फाइव लेस देन नाइन पी स्टेटमेंट है एंड नाइन लेस देन सेवन नाइन लेस देन सेवन सो दिस वन इज़ Q. तो हमने यहाँ P कंजंक्शन Q की ऑलरेडी ट्रुथ वैल्यू निकाल रखी है और ये ट्रुथ वैल्यू क्या है फॉल्स तो जो निगेशन है फॉल्स का निगेशन क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा जो सेकंड प्रपोजिशन है उसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है कि ये ट्रू है